84 लाख यूनियां क्या होती हैं और क्या हमारा ये मनुष्य का शरीर 84 लाख यूनियों के बाद हमें प्राप्त होता है? किसी इंसान ने अपने मनुष्य शरीर को समाप्त कर दिया, मार डाला, आत्महत्या कर ली, क्या परमात्मा ऐसे लोगों को माफ कर देगा? नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है। ये किसी व्यूअर का सवाल है कि 84 लाख यूनियां क्या होती हैं और क्या हमारा ये मनुष्य का शरीर 84 लाख यूनियों के बाद हमें प्राप्त होता है। आइए इसके बारे में विस्तार से डिस्कस करता हूं इस वीडियो में। इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसमें क्या होता है कि 84 लाख यूनियों के बारे में मेरी क्या राय है, मैं एक बार अपने जो भी सदग्रंथों में दिया हुआ है वहाँ से रेफरेंस लेकर बताता हूँ। आमतौर पर अलग अलग ग्रंथों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया। कुछ ग्रंथों ने तीन टाइप की डेफिनेशन दी है कि जलचर, थलचर और नभचर, तीन तरह के लोग जीव बताए गए हैं। जल में रहने वाले जीव, पृथ्वी पर चलने वाले प्राणी और आकाश में उड़ने वाले प्राणी, तो तीन मेन कैटेगरी बताई गई हैं। कई जगह पर चार अलग अलग कैटेगरीज भी बताई गई हैं। इसमें जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भज, मतलब जरायुज मतलब माता के गर्भ से जन्म लेने वाले मनुष्य पशु जरायुज कहलाते हैं। अंडों से उत्पन्न होने वाले प्राणी अंडज कहलाते हैं। मलमूत्र, पसीने आदि इत्यादि से उत्पन्न होने वाले जो जीव हैं स्वेदज कहलाते हैं। जैसे जोंक, पिस्सू वगैरह जो होते हैं, उद्भिज जो होते हैं, वो पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले जो जीव हैं जैसे कीड़े मकोड़े जो हैं, वो अधिकतर उसको उद्भिज कहा जाता है। ऐसे अलग अलग कैटेगरीज बताई गई हैं। जो 84 लाख टाइप के जीव बताए गए, पद्म पुराण में एक श्लोक है उसमें मेंशन किया गया कि जलज नव लक्षाणी स्थावर लक्ष्य विष्मति कृमियो रुद्र संख्यक है पक्षिणाम दश लक्षणम त्रिंशल लक्षाणी पशु है चतुर लक्षाणी मानवः। ये पद्म पुराण के 78वें स्कंद में 5वां श्लोक है। अर्थात जलचर 9 लाख टाइप के, स्थावर अर्थात पेड़ पौधे जो 20 लाख टाइप के, रेंगने वाले जो जीव हैं सरीसृप जो होते हैं, कृमि जो होते हैं कीड़े मकोड़े और रेंगने वाले जो हैं 11 लाख टाइप के, और पक्षी जो आकाश में उड़ने वाले 10 लाख टाइप के, स्थलीय जीव जो और जलचर स्थल पर रहने वाले जो जीव हैं मतलब पृथ्वी पर रहने वाले जीव, वो 30 लाख टाइप के, और बाकी 4 लाख जो है वो मनुष्य टाइप के हैं। मतलब मनुष्य की भी 4 लाख कैटेगरीज हैं। टोटल जो है इनका बनता है 84 लाख, 84 लाख। ये मैं शास्त्रों के हिसाब से बता रहा हूँ। और तब 4 लाख बार मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद या तो वो पितृ योनि या देव योनि प्राप्त होती है या वो मुक्त हो जाता है। ये सभी कर्म अनुसार चलता है। मनुष्य योनि के बीच अगर रहकर कोई नीच कर्म करता है तो वो पुनः नीचे की योनियों में चला जा सकता है, अर्थात उल्टे कर्म में भी गति करता है, जिसको हम दुर्गति कहते हैं। तो मनुष्य का पतन ना हो और हमेशा वो ऊपर की ओर बढ़ता रहे, इसका अर्थ क्या है कि मनुष्य का ये जो शरीर मिला है ये इतनी आसानी से नहीं मिल गया। इससे पहले बहुत टाइप के रूप हमने बदले हैं, ऐसा मैंने अपने पास्ट लाइफ में और अनेक लोगों के पास्ट लाइफ में देखा है। इसके अलावा मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स नाम से एक बुक अवेलेबल है, उसको भी आप पढ़कर देख सकते हैं। उन्होंने भी बड़े विस्तार से बताया है कि मैंने अनेक साधकों से पूछा है और उस बुक में भी ऐसा मेंशन है कि उन्होंने भी अपने आप को कभी पेड़ पौधे के रूप में जन्मा देखा, कभी हिरण के रूप में देखा, कभी हाथी के रूप में देखा, कभी मृग के रूप में देखा, ऐसे अनेक अनेक जीवों में अपने आप को देखा। मैंने खुद भी अपने लाइफ को देखा है कि बहुत बहुत हजारों जन्म पहले, लाखों जन्म पहले जो जन्म हुए, अनेक तरह के जन्मों की यात्रा में मेरे 10 लाख से ज्यादा जन्म मैंने मतलब जाने, पूरा देखा सब कुछ नहीं है, जाना कि वो कितने जन्म किस योनि में हुए हैं। लगभग 30-40 जन्म तो पीछे जाकर देख चुके हैं कि क्या क्या मेरे साथ हुआ है, ये सब देखा है। और न केवल अपना देखा बल्कि और लोगों का भी देखते हैं। मतलब इंसान भी ऐसे भी लोग हैं जो जिनका पिछला जन्म जैसे कुत्ते का था, उदाहरण के लिए अगर वो कुत्ते के जीवन से इस जीवन में आए हैं तो उनकी बहुत सारी हैबिट्स इतनी एग्रेसिव होती है, मतलब कुत्ते की तरह मतलब चिल्लाना भौंकना जैसे काइंड ऑफ इसी तरह से गाय जैसे टाइप के भी लोग होते हैं। आप जरा देखना, ऑब्जर्व करना, गाय टाइप के लोग भी होते हैं, हाथी टाइप के लोग भी होते हैं, शरीर से बलशाली चीते टाइप के लोग भी हैं दुनिया में। बात को समझना सिर्फ अलग अलग रूपों में, मतलब ये सब जो पुरानी आदतें हैं वो कुछ हद तक हमारे शरीर के अंदर हमारे अंदर तब भी वो उसका इफेक्ट रहता है। और गुरवाणी में भी इसका जिक्र जो है ना, गुरु नानक साहब जी करते हैं, लिख फरमाते हैं कई जन्म भय कीट पतंगा। अभी गुरवाणी को आप इनकार नहीं कर सकते, महापुरुषों की वाणी है उनके ऊपर कोई वो, क्योंकि और हमारे अपने मैंने प्रूफ मैंने बताया उसके बाद फिर बता रहा हूँ गुरवाणी के रेफरेंस। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, ये कई जन्म तुम कीट पतंग बनकर पैदा हुए, कई जन्म हाथी बनकर मछली बनकर कुरंग यानी कि हिरण बनकर पैदा हुए, कई जन्म पंखी सर्प हो, कई जन्म पंक्षी बनकर पैदा हुए सर्प बनकर पैदा हुए, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो, कई जन्म में तुम वृक्ष बनकर पैदा हुए, कई जन्म फिर कहा कि कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो, फिर फरमाया मिल जगदीश मिलन की बरिया, मिल जगदीश अब परमात्मा से मिलने का प्रयास कर मिलन की बरिया। ये जो मनुष्य का शरीर मिला है ये भी ये मिलन की बारी है परमात्मा से, चिरंकाल ए देह संजरिया। ये जो देह मिली है बड़ी बड़ी मशक्कत के बाद मिली है, बड़ी मेहनत के बाद मिली है। अब इसमें भी 4 लाख कैटेगरीज हैं इंसान का जो शरीर है, अभी 4 लाख कैटेगरीज हैं, मतलब सारे इंसान थोड़े एक जैसे हैं, अलग 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 कैटेगरीज आपको देखेंगी, इंसानों में भी बहुत वैरायटी है। तो इंसानों में भी बहुत सारे जन्म है, 4 लाख टाइप के जन्म है, ऐसा नहीं कि बस एक मात्र बार मिला और उसके बाद खत्म, अगले जन्म में फिर आप या नीचे गिर गए या ऊपर चढ़ गए, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें इवोल्व होने का पूरा पूरा चांस है, इसलिए क्योंकि बार बार फिर मनुष्य का जन्म मिलता रहता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो है, एक बार मिला उसके बाद फिर नहीं मिलता, ऐसा नहीं है, तो मिलता है, इसमें भी कैटेगरीज है। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात है, पंच तत्वों वाले जीव बोला जाता है। पंच तत्वों का मतलब जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश पूरी तरह से मौजूद है। तो जहां मौजूद है वहां पर दिमाग भी है,
आकाश तत्व के कारण हमारे अंदर दिमाग है, इस दिमाग से हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, चाहे तो अपने आप को इवोल्व करके परमात्मा जैसी स्थिति में भी जा सकते हैं। बुद्ध इंसान के रूप में ही पैदा हुए ना, भगवान श्री राम कृष्ण इंसान के रूप में पैदा हुए ना, परमात्मा ने अवतार लिया इंसान के रूप में ही अवतार लिया ना, राइट। परमात्मा जानवरों के रूप में पैदा हुए, उन्होंने अब अलग अलग रूपों में दिखाया, लेकिन वो जो है वो केवल अंश अवतार था, मतलब कुछ समय के लिए आवेश अवतार था, राइट। जो मेन लीलाएं हम याद करते हैं भगवान की, वो तो इंसान के रूप में याद करते हैं, क्योंकि तभी आप अप्रिशिएट कर सकते हो परमात्मा को। और यही मनुष्य के शरीर की महिमा है, इसे नर नारायणी देह कहा जाता है। इसी शरीर के भीतर नर भी है और नारायण भी है। यही शरीर अर्जुन को भी था और यही शरीर भगवान श्री कृष्ण को भी था। मतलब कहने को ये शरीर तो ऐसा ही था ना, अब इस शरीर से इवोल्व होने का पूरा पूरा चांस है। चाहे तो परमात्मा हो सकते हैं, चाहे तो परमात्मा हो सकते हैं, और इससे कम होना भी क्या, इससे कम होना भी क्या, और चाहे तो अधोगति में गिर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति इस परमात्मा के दिए हुए इस सुंदर शरीर का सम्मान ना करे, तो क्या आपको नहीं लगता कि उसको शरीर दोबारा दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाए? अगर आप होते परमात्मा, आप क्या डिसाइड करते? आप सोच के देखो, किसी शरीर ने, किसी इंसान ने अपने मनुष्य शरीर को समाप्त कर दिया, मार डाला, आत्महत्या कर ली, क्या परमात्मा ऐसे लोगों को माफ कर देगा? उन्होंने शरीर का अपमान किया, एक तरीके से परमात्मा का अपमान किया, उनको स्वीकार नहीं किया जाता। ऐसे लोगों की मैंने देखा है कि ऐसे लोगों का जो अगला जन्म होता है, मनुष्य, जिन लोगों ने मनुष्य शरीर पाकर आत्महत्या करी, इन लोगों का अगला जन्म एक डाउन लेवल पर जाता है, मतलब पशु रूप में होता है, एक या दो जन्म, तब उसके बाद फिर ये इंसान बनकर आते हैं, तब इनका बाकी का हिसाब किताब किया जाता है। मतलब बहुत, जिसने शरीर को पाकर बेकदरी करी उसकी, तो उसके लिए दोबारा से मनुष्य का शरीर तुरंत नहीं मिलता, उसको एक रोटेशन नीचे जाकर आना पड़ता है। अगर मान लो इसी तरह कोई बुरे कर्म करता ही चला जाए, आप सोचिए, जो बहुत नेगेटिव टाइप के, विलेन टाइप के लोग हैं, जो लोगों को मार मार कर, काट काट कर खा रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, लोगों की गर्दनें काट रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या लगता है इनको दोबारा मनुष्य का शरीर दिया जाना चाहिए? क्या इन्होंने इतने लोगों को मरवाया, मारा, राइट? जैसे इतने लोग जो हैं, इतने लोगों को मारने या मरवाने वाले जो लोग होते हैं, आपको क्या लगता है, क्या उनको दोबारा इंसान का जन्म दिया जाना चाहिए? आप खुद ही फील करोगे कि ये लायक नहीं है, इस लायक नहीं है कि इनको इंसान का शरीर दिया जाए। परमात्मा भी ऐसे ही समझता है, और उनकी अंत समय में जो विचार होते हैं वैसा ही उनको शरीर दे दिया जाता है। इसलिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डाउनफॉल में जाते हैं। अब कोई एक सवाल पैदा होता है कि जैसे इतने सारे टाइप की यूनियां बताई कि पशु पक्षी भी, वृक्ष भी, ये सब भी हैं, तो लोग पूछते हैं कि जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? जनसंख्या इसलिए बढ़ रही है कि चीज़ें इवोल्व हो रही हैं। अब सोचिए, जब पृथ्वी नई नई बनी थी, तो उस समय में वृक्ष कितने ज़्यादा होते थे, पशु पक्षी कितने ज्यादा होते थे, मतलब बहुत ज्यादा। जैसे 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 वृक्षों को काटा जा रहा है, जंगल के जंगल खत्म किए जा रहे हैं, और समुद्रों के अंदर भी जहर घोला जा रहा है, तो वो जो जीव मर रहे हैं वो इवोल्व भी तो हो रहे हैं ना। तो इंसानों की जनसंख्या बढ़ रही है, किसी की जनसंख्या घट भी रही है, पशु पक्षी घट रहे हैं, पेड़ घट रहे हैं, वो भी तो घट रहे हैं ना। तो इसलिए ओवरऑल एक बैलेंस बना रहता है, और इस बैलेंस को बनाने के लिए यहाँ पर इस पृथ्वी के चारों तरफ, मतलब पूरे का एक सिस्टमैटिक ढंग है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के जो देवता हैं, यहाँ बैलेंस बनाकर रखते हैं, तो पृथ्वी पर एक बैलेंस बना रहता है जीवन का। तो अब फाइनल क्या है, इतनी सारी बातें करने का अर्थ क्या है? अब ये मनुष्य देह का सबसे बड़ा जो फायदा है कि हम इस देह को पाकर अपने आप को अपग्रेड कर सकें, आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकें, अपने आप को जान सकें, ताकि इस बार बार इस 84 लाख जूनियों के चक्कर में ना आना पड़े, हमारे आत्मा का परम कल्याण हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक कर दें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।